यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। हम बात करेंगे पांच ऐसे शेयर जो कि हर गिरावट में आप बाय कर सकते हैं, मतलब एवरी डिप पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है। तो ये शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जरूर एड करके रखिए। देखिए, एक कोर पोर्टफोलियो होता है और एक रिस्क पोर्टफोलियो होता है, तो पोर्टफोलियो का अलग अलग भाग होता है। तो जो कोर पोर्टफोलियो है उसमें इन स्टॉक्स को आपको रखना है, और जो रिस्क आप वेट लेते हैं उसमें स्मॉल कैप मिड कैप ले सकते हैं, ये लार्ज कैप है। तो पहला है कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक काफी बेहतरीन है। देखिए, बैंक के सेक्टर में HDFC बैंक और कोटक बैंक दोनों काफी बेहतरीन है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, मार्केट कैप की बात है 3,54,000 करोड़ का है, तो एक ब्लू चिप कंपनियां है। और करेंट प्राइस की बात करें 1,788 रुपीज है, डिविडेंड की बात 0.05% है, डिविडेंड यील्ड काफी कम है, प्रमोटर्स होल्डिंग 26% है, काफ़ी कम है। बैंकिंग के सारे स्टॉक्स में आपको प्रमोटर्स होल्डिंग कम ही देखने मिलेंगे, बहुत सारे में तो आपको मिलेंगे भी नहीं। डी की बात करें, इंडस्ट्री का पी 19.5 है जबकि स्टॉक का पी 35.6 है, तो ये काफ़ी इंडस्ट्री के महंगे पी पे उपलब्ध है, तो अच्छे स्टॉक महंगे पी पे ही मिलेंगे। रिजर्व की बात करें, 83,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। यहाँ पर डेट की बात हम उतना नहीं करेंगे, क्योंकि इसका काम ही है जो बैंकिंग है, फाइनेंस है। ये कंपनी आपसे डिपॉजिट लेती है और उसी अमाउंट को ये लोन के रूप में दूसरों को देती है, अपने कस्टमर्स को, और बीच का जो मार्जिन होता है वो अर्न करती है। तो यहाँ पर इसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 23.8 है, तो यहाँ पर जितना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा रहेगा, 8% इसका मिनिमम रेशियो है, तो 8% 10% से ऊपर जितना है तो उतना अच्छा है। और फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन, ये जितना बेटर हो उतना ज़्यादा बेहतरीन है। ग्रॉस एनपीए 3.25 ये, और नेट एनपीए 1.21%, ये जितना कम हो उतना बेहतर है। फिर कासा रेशियो, देखिए जो रेशियो है ये काफ़ी बेहतरीन है। देखिए, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट 60% का रेशियो है, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन है। इन सारे पैरामीटर्स पे ये बैंक काफ़ी बेहतरीन है। और कोटक महिंद्रा बैंक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप है, जिसमें देखिए ये कंपनी जो है रिटेल बैंकिंग में है, ट्रेजरी में है, कॉरपोरेट बैंकिंग में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, स्टॉक ब्रोकिंग में है, व्हीकल फाइनेंस में है, एडवाइजरी सर्विस में है, एसेट मैनेजमेंट में है, लाइफ इंश्योरेंस में है, जनरल इंश्योरेंस में है। तो इतना डाइवर्सिफाइड कंपनी का बिजनेस है। अगर टेक्निकल चार्ट पे बात करें तो देखिए, टेक्निकल चार्ट पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है 1696 रुपये से 1625, इसके बीच का जो रीजन है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन है। और यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस बना रखा है 1826 रुपीज़ का, तो अगर ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसमें हमें जो अगला टारगेट है 2050 रुपीज़ का देखने मिल सकता है। अगर 2050 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट काफ़ी ज़बरदस्त होगा, और यहाँ से अच्छा खासा टारगेट देखने मिलेगा लगभग 2500 का, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है 2050 रुपीज़ के ऊपर। तो जब तक इस रीजन में है, देखिए 2050 रुपीज़ और नीचे का जो लेवल है 1600, इसके बीच तो समझिए जो स्टॉक है वो साइडवेज है। तो साइडवेज स्टॉक में जब भी गिरावट मिलता है तो इसको आप एक्युमुलेट कीजिए, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। साथ ही साथ क्वार्टर रिजल्ट पे भी ध्यान रखिए, अगर रिजल्ट जो है क्वार्टरली रिजल्ट वो ख़राब होता है तो निश्चित रूप से इसमें आपको और भी ज़्यादा भी गिरावट देखने मिल सकता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं क्वार्टरली रिजल्ट हर कंपनी का शेयर करता रहता हूँ। लॉन्ग टर्म में हमेशा बाय ऑन डिप कीजिए, ये लेवल्स हैं, तो इस लेवल पर आप बाय करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। फिर दूसरा जो स्टॉक है वो है डिविज लिबर्टी, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। इस पर मैंने एक सिंगल वीडियो भी बनाया था। कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखती है प्रोडक्ट का, खास करके जो एडवांस API बनाती है, जो कि कंपनी का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड 95 कंट्रीज़ में सेल करती है, एक्सपोर्ट करती है। अगर मार्केट कैप की बात है, 1,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 4,910 रुपीज़ के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 0.41% का है। और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 23.9%, पी की बात करें 21.2 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि स्टॉक का पी 63.6 है, तो काफ़ी महंगे प्राइस पे में मिल रहा है स्टॉक। देखिए, इंडस्ट्री के पी से लगभग 3 टाइम्स का पी है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है। ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको महंगे पी पे ही मिलेंगे। अगर बात करें
प्रमोटर्स होल्डिंग का 52% का प्रमोटर्स होल्डिंग है और डेट टू इक्विटी जीरो है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं। तो ये 5 करोड़ का डेट देखने से भी कोई फायदा नहीं है। कंपनी का जो रिजर्व है 9000 करोड़ का है, कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखा है लेकिन रिजर्व अच्छा खासा है कंपनी के पास। और बात करें टेक्निकल चार्ट पर, देखिए इसका चार्ट तो काफ़ी सॉलिड है। जिस तरह से आपने देखा कोटक बैंक का चार्ट जो है वो साइडवेज था, लेकिन इस स्टॉक का जो चार्ट है देखिए लगातार राइजिंग है। तो जब भी गिरावट मिलता है तो एवरी डिप पे बाय है, लेकिन देखिए क्वार्टर का रिजल्ट पे ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट जो है उसमें प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट आता है तो एक बड़ा करेक्शन भी आपको देखने मिल सकता है। तो बड़ा करेक्शन होगा ऐसे स्टॉक में हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा कि हम उसको डिप पे बाय करें। फिलहाल ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन पे कभी भी मतलब स्टॉक वापस आता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस की बात करें तो 5050 रुपीज़ इसका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ऐसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल के ऊपर जब तक ये सस्टेन हो नहीं जाता है तब तक हम यहाँ पर ब्रेकआउट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सपोर्ट का तो 4750 रुपीज़ के आसपास का रीजन जो है ये सपोर्ट रीजन है। इस रीजन को ब्रेक करता है नीचे की ओर तो एक बड़ा करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, क्योंकि नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल बनता है वो होता है 4200 रुपीज़। तो यहाँ पर जो करेक्शन होगा या ब्रेकआउट होगा ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर गिरावट होता है तो बाय ऑन डिप करना है, अगर यहाँ ब्रेकआउट देता है तो आप ब्रेकआउट में इस स्टॉक को बाय कीजिए। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। मार्केट कैप 3,74,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 6,200 रुपीज़ का है। तो स्टॉक तो काफ़ी महंगा है, साथ ही साथ बात करें डिविडेंड यील्ड 0.16% का है, तो महंगे स्टॉक में डिविडेंड यील्ड आपको काफ़ी कम देखने मिलेंगे। अगर पी की बात करें तो 22.8 का इंडस्ट्री का पी है, जबकि स्टॉक का पी 83.9 का है। लगभग इंडस्ट्री के पी से 4 टाइम्स ये स्टॉक मिल रहा है, काफ़ी महंगे स्टॉक्स हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग्स 56% का है। देखिए रिटर्न कैपिटल प्लेट काफ़ी कम है, रिटर्न इक्विटी भी काफ़ी कम है, लगभग रिटर्न इक्विटी भी 15 से कम है, लेकिन ये स्टॉक चार्ट पे आपको दिखाएंगे काफी सॉलिड है, क्योंकि कंपनी जो है काफी अच्छा नेट प्रॉफिट दे रहा है। बात करें वही रिजर्व का, 36,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, काफी बेहतरीन है। कोई भी शेयर प्लीज नहीं है, देखिए प्लीज शेयर हो गया, डेट हो गया, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। अब देखिए चार्ट पर देखिए बात करें तो चार्ट पर देखिए स्टॉक कुछ इस तरह का ट्रेंड लाइन बना रखा है और यहाँ पर वॉल्यूम काफी कम दिख रहा है। तो अगर ये नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक करता है जो 5920 रुपीज़ का है, तो इसमें एक बड़ा करेक्शन आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन पे, या कहें ये 6500 के ऊपर निकालता है, तो फिर इसमें आपको 7000 का टारगेट मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए आपको हर गिरावट बाय करना है और इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखना है। अगला बात करें तो दीपक नाइट्रेट काफी बेहतरीन स्टॉक, 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 2146 रुपीज का है, डिविडेंड यील्ड 0.21% का है। और बात करें पी का तो 27 का पी है इंडस्ट्री का, जबकि स्टॉक का पी 29.9 का है, तो ये लगभग इंडस्ट्री के पी पे ही मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40 के लगभग है और रिटर्न इक्विटी भी 40 का है, तो ये काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 45.7% है, तो ये भी स्टॉक 40% से अधिक प्रमोटर्स होल्डिंग रखता है। साथ साथ ये स्टॉक भी एक लार्ज कैप और कहिए मिड कैप स्टॉक है। देखिए जितना मार्केट कैप कोई निश्चित नहीं है, जैसे 20,000 से ऊपर होता है तो हम उसको लार्ज कैप ही लेते हैं, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। साथ साथ बात करें कंपनी के ऊपर जो डेट टू इक्विटी की बात है, 0.25 का डेट टू इक्विटी है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है, 590 करोड़ का डेट है, जबकि नेट प्रॉफिट 979 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, काफ़ी ज़बरदस्त है। रिजर्व 2319 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफ़ी दिख रही है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट स्टॉक का काफ़ी सॉलिड है, हर गिरावट पे ये स्टॉक बाई है, तो जब भी गिरावट मिलता है तो ऐसे यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन है इसका 1965 रुपीज़ है, और ऐसे भी ये स्टॉक कभी भी 2000 के आसपास आता है तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि 2000 रुपीज़ इसका साइकोलॉजिकल लेवल है, जिस लेवल के नीचे आना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर ये 2000 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर 2000 ऊपर जाना भी कठिन होगा। फिलहाल स्टॉक 2000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब भी ये स्टॉक 2200 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट पर आप बाय कर सकते हैं, या तो ये स्टॉक यहाँ पर जैसे नीचे आता है तो इसका जो सपोर्ट रीजन है वो है 1965 से 2000 रुपीज़ का रीजन, ये सपोर्ट रीजन है। तो जब भी स्टॉक गिरावट मिले तो ये स्टॉक आंख बंद करके बाई है हर डीप पे। उसके बाद जो अगला स्टॉक है, पांचवा स्टॉक, वो है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है और मार्केट कैप की बात 40,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 1991 रुपीज़ है। देखिए 2000 का जो लेवल है किस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल के रूप में काम करता है, इसके चार्ट पे आपको दिखाएंगे। डिविडेंड की बात करें 0.09% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा खासा है,
है 29.5%, रिटर्न इक्विटी भी 23.6%, और इंडस्ट्री का भी बात करें 29.4 है, जबकि स्टॉक का भी 87.3 है, काफ़ी महंगे पी पे स्टॉक मिल रहा है। प्रमोटर्स होल्डिंग 55.7% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.04 का है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं, वर्चुअली कंपनी डेट फ्री है, मात्र 80 करोड़ का डेट है, जबकि कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। नेट एनुअल प्रॉफिट देखिए 458 करोड़ के आसपास का है, और रिजर्व 1876 करोड़ का रिजर्व है कंपनी का। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है, और यहाँ पर देखिए कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है, तो ये कंपनी यहाँ पर काफ़ी गिरावट में आपको मिल रहा है, मतलब इसका जो हाई है ऑल टाइम का है 2287 रुपीज़ है, और वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी गिरावट पे आपको अभी 2035 रुपीज़ पे मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो लेवल है इसका सपोर्ट लेवल है 1940 रुपीज़। इस रीजन पे ये स्टॉक आया है, अगर यहाँ से ये इस लेवल को ब्रेक कर 1940 रुपीज़ के नीचे सस्टेन कर जाता है तो समझिए इसमें और करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, और अगर यहाँ से ये ऊपर की ओर मोमेंटम देता है तो फिर अच्छा खासा तेजी आपको इसमें देखने मिलेगा, और इसमें ब्रेकआउट तभी होगा जब ये 2290 रुपीज़ के ऊपर निकलता है, तब इसमें हम ब्रेकआउट देखेंगे, और तब यहां से एक ज़बरदस्त मोमेंटम देखने मिलेगा जो कि इस स्टॉक को 2500 के ऊपर ले जाएगा। तो कुछ इस तरह से है कि यह स्टॉक हमेशा गिरावट में बाय है, जितना गिरे उतना माल उठाइए, SIP मोड में लेते रहिए स्टॉक को। जैसे मार्केट में तेजी बनी रहती है तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन स्टॉक तो काफी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो उससे आपको आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा। तो स्टॉप लॉस होता है ये जो सपोर्ट रीजन है इसके आसपास हम बाय करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस भी रखेंगे, क्योंकि हो सकता है स्टॉक का जो क्वार्टरली रिजल्ट है काफ़ी ख़राब हो जाए, या मार्केट में कोई बड़ी गिरावट हो जाए, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो वहाँ से मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है तो साथ साथ इस स्टॉक में भी गिरावट मिलेगा। तो बाय ऑन डिप्स करेंगे, जब काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगा तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट में बाय करेंगे, तो यहाँ पर हम हायर प्राइस पर यहाँ पर बाय करें तो स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। तो उम्मीद करती है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।